आज हम नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन बनने वाले प्रसाद बनाएंगे और प्रसाद में आज हम काला चना मसाला, हलवा और पूड़ी की रेसिपी सीखेंगे। तो रेसिपी को प्लीज पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से और इस पर कमेंट जरूर करें। तो फिर बिना देर किए हुए आज के इस प्रसाद की रेसिपी को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आप सबका स्वागत करती हूं मेरे किचन में, जिसका नाम है डिलीशियस फूड रेसिपी। नवरात्रि का प्रसाद बनाने के लिए सबसे पहले हम पूड़ी के लिए आटा लगा करके ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना करके ले लेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेना है और इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है ताकि जो पूड़ियां हैं वो फुली फुली और सॉफ्ट बने। यहाँ पे सॉफ्ट डो बन करके तैयार है। अब हमें इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसे गर्म गर्म पूड़ियां बनाएंगे। अब हम बनाएंगे चना मसाला। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप काला चना को रात भर भिगो करके पानी में रखा था, बहुत अच्छे से फूल गया है। अब हमें इसे उबाल लेना है। प्रेशर कुकर में डाल करके 4 सीटी आने तक उबाल लेंगे। चना मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गर्म करके रखा हुआ है। अब हम इसमें 3 बड़े चम्मच के लगभग तेल ऐड कर देंगे और तेल को हमें अच्छे से गर्म हो जाने देना है। तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच के लगभग मैं तेल ऐड कर रही हूँ। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटे चम्मच के लगभग में जीरा और इसे हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड कर देंगे 5 हरी मिर्च, यहाँ बीच से कट करके लिया हुआ है, और 1 बड़ा चम्मच इस तरह से बारीक कटा हुआ अदरक। इन सबको हमें इसमें ऐड कर देना है। इन सबको भी हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि जो इनका कच्चापन है वो निकल जाए। यहाँ पे अब हम फ्लेम को लो पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे अब हमें सूखे मसाले ऐड करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ एक छोटी कटोरी, इसमें हम सूखे मसालों का पहले पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद हमें इसे ऐड करना है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 छोटे चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और साथ में 1 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसकी क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ पे देगी लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने सूखे मसालों को ले लिया हुआ है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसमें पानी डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब हमें इसे कढ़ाई में डाल देना है। फ्लेम को हमें लो पे ही रखना है और इस मसाले को हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मसाले तले में जाकर के जले ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड किया हुआ है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हमें इसे तब तक पका लेना है जब तक कि तेल साइड से निकलने ना लगे। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे, नहीं तो जो मसाले हैं वो तले में जाकर के चिपकने लगते हैं। यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद के अनुसार। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इन सारे मसालों को पका लेंगे जब तक इससे तेल ना निकलने लगे। और आप देख सकते हैं भूनते भूनते मसालों से तेल निकलने लगा है, मसाला यहाँ पे अच्छे से पक चुका है। इसी समय अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच के लगभग आमचूर। तो यहाँ मैं 1/2 छोटे चम्मच के लगभग आमचूर डाल रही हूँ। अब हमें इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, तो मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मसाला जैसे जैसे पकते जा रहा है वैसे वैसे इसकी जो खुशबू है बहुत ही अच्छी आती जा रही है। फ्लेम को लो पे ही रखेंगे और इसी समय इसमें ऐड कर देंगे 1/4 छोटे चम्मच के लगभग गरम मसाला। इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़कर के आता है। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेना है। अब हमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट तक पकाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने चना को उबाल करके रखा हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे चना जो है कितने अच्छे से उबल गया है। अब हमें इसमें ऐड कर देना है, ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने चना में नमक डाल करके उबाला है, आप बिना नमक का भी इसे उबाल करके ले सकते हैं। यहाँ मैंने इसे मीडियम लो फ्लेम पे 4 सीटी आने तक अच्छे से उबाल करके ले लिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे चना कितने अच्छे से पक गया हुआ है। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। क्योंकि ये जो प्रसाद है छोटी छोटी बच्चियां भी खाती हैं, इसके लिए यहाँ पे मैंने मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी हुई है और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज किया हुआ है। आप इसके जगह पे देगी लाल मिर्च के पाउडर का भी यूज कर सकते हैं और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें इसे ढक करके पका लेना है 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ पे इसे पकाते हुए 5 मिनट हो चुका है। चना बहुत ही अच्छे से पक चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ धनिया पत्ता इसके स्वाद को और भी बढ़ाने के लिए और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे। पहले ही मैंने नवरात्रि की बहुत सारी रेसिपी अपने चैनल पे ऐड की हुई है, तो उसे भी आप चेक जरूर करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अब हमें इसे भी ढक करके 1 मिनट के लिए पका लेना है। तो इसे ढक करके 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब हम हलवा बना लेंगे। तो हलवा बनाने के लिए यहाँ मैंने कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गर्म करके रखा हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़े चम्मच के लगभग घी। घी को अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे।
घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप सूजी। तो यहाँ पे मैंने महीन वाली सूजी का यूज किया हुआ है। इसे अब हमें अच्छे से भून लेना है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो जो सूजी है वो जलने लगता है। और हमें इसे तब तक भून लेना है जब तक कि अच्छा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और इसे हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से भुनना है। जैसे जैसे ये भुनते जाएगा वैसे वैसे इसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे समय अब हम इसमें ऐड कर देंगे 5 इलायची, यहाँ मैंने कूट के लिया है। साथ में 1/4 कप के लगभग यहाँ मैंने चीनी ऐड किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दूध। तो यहाँ मैंने 1 कप दूध लिया हुआ है और साथ में इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप के लगभग पानी। अब हमें इन सबको लगातार चलाते हुए पका लेना है। दूध डालने के बाद आप इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से पका लें। अब यहाँ पे इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स ताकि ये भी अच्छे से पक जाए हलवा के साथ। और अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा हलवा बनते जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल मैं खिली खिली हलवा बनाना बताऊंगी, स्टिकी हलवा बिल्कुल भी नहीं बनेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा हलवा बन रहा है। और ये जो हलवा मैं आज बता रही हूँ ये कढ़ाई में भी नहीं चिपकेगा। आप देख सकते हैं हलवा जैसे ही बन जाए उसके बाद लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़े चम्मच के लगभग घी। इससे जो हलवा का टेक्सचर है बहुत ही अच्छा आता है। तो आप लास्ट में 1 चम्मच घी इसमें ज़रूर ऐड करें। घी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा भी सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने जैसा कहा कि हलवा ये बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं सटेगा और बिल्कुल खिला खिला बनेगा हलवा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हलवा बन करके तैयार हुआ है हमारा ये। और ये हमारा गर्मा गर्म सूजी का हलवा भी जो है बन करके तैयार हो गया है। गैस को करेंगे बंद और आइए अब हम पूड़ी को बना लेते हैं। इसे साइड रख देंगे। अब हमें पूड़ियों को तल लेना है। तो जो हमने आटा लगा करके रखा हुआ था वो आटा जो है बहुत अच्छे से सेट हो गया है और बहुत ही नरम आटा लगा हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हमें इससे पूड़ी बना लेना है। तो यहाँ पे छोटे साइज का हम डो लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे गेहूं का आटा जो हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और इसके बाद इसे छोटे छोटे पूड़ियों के साइज में बेल लेंगे। तो चलिए इसे रोल कर लेते हैं। थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है इसके ऊपर आटा और इस तरह से अब हम इसे रोल कर लेंगे। पूड़ी का साइज अपने अकॉर्डिंग आप छोटा या बड़ा रख सकते हैं। इसे हमें रोल करके ले लेना है। ये नवरात्रि का प्रसाद बहुत ही टेस्टी बनता है तो आप इसे ट्राई जरूर करें। और आपकी रेसिपी कैसी बनी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक पूड़ी को बना करके ले लिया है। इसी तरह से एक और पूड़ी मैं आप सबको बना करके बताती हूँ। इसी तरह से हम बाकी सारी पूड़ियों को बना करके ले लेंगे और उसके बाद हम तलेंगे। साइड में तेल को भी गर्म होने के लिए रख देना है। पूड़ी फुली फुली बने इसके लिए बहुत जरूरी है कि तेल जो है बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए। पूड़ी यहाँ पर रेडी है, फ्राई कर लेते हैं। पूड़ी को तलने के लिए यहाँ मैंने तेल को मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म करके रखा हुआ है। अब हम इसमें छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे आटे का और जब वो आटा का टुकड़ा इस तरह से फूल करके ऊपर की तरफ आ जाएगा इट मीन्स कि हमारा जो तेल है वो अच्छा गर्म हो चुका है। इसे हटा देंगे और अब हम इसमें धीरे से पूड़ी को डाल देंगे और इसे हमें थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है चारों तरफ से ताकि जो पूड़ी है वो अच्छे से फूल जाए। और हमें इसे पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है और इसे हमें थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छा क्रिस्पी हो जाए। पूड़ी बहुत ही अच्छे से फूल करके बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इट मीन्स कि जो आटा है बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है और साथ में हमारा जो तेल है बहुत अच्छा गर्म था तभी जो है पूड़ी बहुत ही अच्छे बन करके आई है। प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। इसी तरह से बाकी सारी पूरियों को हम तल करके निकाल लेंगे 1 बाय 1 करके। आप इस पूरी को बेलने के लिए तेल का भी यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे मैंने आटा यूज किया था इन पूरियों को बेलने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना फुली फुली पूड़ियाँ बन करके तैयार हो रही हैं। इसी तरह से हमें बाकी सारी पूड़ियों को तल करके निकाल लेना है। अच्छा ये गोल्डन क्रिस्पी ब्राउन ये भी हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे और इसे हम किचन टॉवल के ऊपर रखेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा जो तेल है वो अच्छे से निकल जाए। यहाँ पर मैंने पूड़ियों को तल करके ले लिया हुआ है। चना मसाला हमारा रेडी है, हलवा भी रेडी है। गैस को करेंगे बंद और आइए अब हम इस नवरात्रि के प्रसाद की प्लेटिंग कर लेते हैं। तो इसे भी निकाल लेंगे प्लेट में और प्लेटिंग कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्पी पूड़ी बन करके तैयार हुई है। चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। चटपटा चना मसाला, हलवा और साथ में पूड़ी, तो हमारा ये प्रसाद जो है रेडी हो गया है। आप इसे बनाने के बाद गर्मा गर्म सर्व करें। आशा करती हूँ आपको मेरी आज ये नवरात्रि के प्रसाद की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसे प्लीज लाइक से और इस पे कमेंट जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आइडिया या फिर सजेशन हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए इस प्रसाद की रेसिपी को एंजॉय करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, सेफ रहें। जय माता दी।
Thank you.